लड़की कैसे पटाए, लड़की पटाने के तरीके, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो काफ़ी अच्छा चल भी रहा है और काफ़ी ज़्यादा काम भी करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे जिस लड़की का पहले से ही BF हो, जो पहले से किसी के पास पटी हुई है, उस लड़की को कैसे पटाएं। कभी कभी क्या होता है, हम जिस लड़की को पसंद करते हैं, जिसे पटाना चाहते हैं, वो पहले से किसी और के पास पटी हुई होती है। तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि अब हम करें क्या, उस लड़की को पटाएं कैसे। तो बस आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूं और एक गजब का ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप उसी लड़की को पटा सकते हो जिसका पहले से BF है। और एक सच बताऊं, अगर प्रैक्टिकली देखें ना, तो सिंगल लड़की की कंपेयर में जो मिंगल लड़की होती है, यानी जिसके पहले से BF होता है, उनको पटाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिंगल लड़की होती है उसके पास कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, भर भर के लड़के उसे लाइन मारते हैं। लेकिन जो पहले से पटी हुई है, जिसके पहले से BF है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ उसी शख्स के साथ होगा जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसका BF है। आपको बस उसके BF से अच्छा बनना होगा, फिर वो लड़की आपके बाहों में होगी। लेकिन जो सिंगल लड़की है वो तो उसी लड़के को सिलेक्ट करेगी ना जो ज़्यादा अच्छा हो, जो ज़्यादा सुंदर हो, जो ज़्यादा पैसे वाला हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, या फिर और कुछ भी बात हो सकती है। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा सिंगल लड़की के पास। लेकिन जो पहले से पटी हुई लड़की है, जिसका पहले से ही BF है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जिस लड़की का पहले से BF है, उसे पटाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर उसको कैसे पटा सकते हैं। देखिए, जो लड़की जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे पटाना चाहते हैं, चाहे वो आपके कॉलेज की हो, आपके स्कूल की हो, आपके कोचिंग की हो, या फिर आपके पड़ोस की हो, जो भी लड़की है, ठीक है, उससे बस आपको फ्रेंडशिप करना है। अब बोलेंगे ये कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, उसको पहले ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो ये है कि जो लड़की है जिसे आप पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, जो आपकी क्रश है, जिसके पहले से BF है, आप क्या करो, वो जहाँ भी रहती है, मतलब कोचिंग पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, आपके पड़ोस में जहाँ भी रहती है, जहाँ भी उसे आप लाइन मारते हो, तो 1 से 2 दिन बड़े प्यार से उसे देखो, लाइन मारो। लेकिन घूरना नहीं है, देखना, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। एक होता है बड़ा प्यार से देखना और एक होता है घूरना ऐसा। तो आपको प्यार से उसको देखना है 1 से 2 दिन, ठीक, जिससे वो आपको समझ सके, मतलब देख सके, पहचान सके, ठीक है। इसके बाद सडनली जाकर आपको उससे बात करना है। अब बात क्या करना है, ऐसा नहीं कि जाकर सीधा लव यू बोल दो, ऐसा नहीं है, बस कॉमन उसको फ्रेंड बनाना है और वो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करेगी, यानी आपका फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करेगी, वो आपको फ्रेंड बना लेगी, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको पहले BF है, उसके BF पहले से ही है, तो वो ये सोचेगी कि जब मेरा पहले से ही BF है तो मुझे लाइन थोड़ी मारेगा, उसके मन में ये थिंकिंग आएगा। लेकिन भाई आपके दिल में तो वही है, तो आपको सबसे पहला काम कि उससे फ्रेंडशिप करना है जाकर। और जो लड़की पहले से पटी हुई होगी ना, वो जाहिर से बात आपसे फ्रेंडशिप कर लेगी, क्योंकि उसको पता है मुझे बात किसी और से करना है, मुझे मिलना किसी और से ही है, मेरा लाइफ में कोई और लड़का है, तो इससे बात करने में क्या परेशानी है, और आपसे फ्रेंडशिप कर लेगी। और जैसे ही फ्रेंडशिप कर ले, तो यहीं से फिर पूरा काम स्टार्ट होता है। आपको करना क्या है, जैसे आपने उनसे फ्रेंडशिप कर लिया, तो फ्रेंडशिप करने के बाद आप उसके बारे में जानो, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, उसके BF के साथ उसका बॉन्डिंग कैसा है। देखो, हमें ये तो पता है कि उसके पहले से BF है, लेकिन ये पता नहीं होता कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसके BF के साथ उसका बॉन्डिंग कैसा है, मतलब उन लोग का रिलेशन कैसा चल रहा है। हम तो ये तो सोच लिए कि भाई उसका पहले से BF है, देख भी लिए, लेकिन ये तो कोई पता नहीं है ना कि उसका रिलेशन कैसा चल रहा है। हो सकता है वो लड़की उससे ब्रेकअप करना चाहती हो सकता है वो लड़की उससे बोर हो चुकी हो। तो ये सब बातें कैसे पता चलेगी, जब आप उससे फ्रेंडशिप करोगे। तो इसलिए कहा, सबसे पहले स्टेप रहेगा कि आप उससे दोस्ती करो, उससे फ्रेंडशिप करो। फ्रेंडशिप करने के बाद आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा, आप उसे समझ पाओगे उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, और उसके BF उसके लिए क्या करता है। समझ गए मेरी बात। जब आप उसके बारे में जानने लगोगे, तो आपको क्या करना है, उसके पसंद के अकॉर्डिंग काम करना है, उसको जो पसंद है वैसा ही आपको करना है, और ये देखना है कि उसके BF उसके लिए क्या क्या करता है, ठीक वैसा ही आपको करना है, बल्कि एकदम कॉपी नहीं करना है, बट हाँ, जो चीज़ें अच्छी है आपको वैसा ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप उसके फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, मतलब अभी क्या हो, सिर्फ एक फ्रेंड हो, लेकिन धीरे से उसके बेस्ट फ्रेंड भी बन जाओगे। लेकिन यहीं पर आप कोशिश करो
कि आपकी उसकी जो बातें हो रही है, आप जो उसके फ्रेंड बने हो, ये बातें उसके भी आपको पता ना चले। अब पता क्यों ना चले ये लास्ट में आपको समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करो कि उसको पता ना चले, ठीक है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपने ही भाईचारे में ऐसा मत करना यार। मतलब आपके बीच के जो अच्छे दोस्त हैं, अपने फ्रेंड्स, उसकी गर्लफ्रेंड को मत छीनना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही दोस्त की वाट लगा देते हैं, अपने ही दोस्त की सेटिंग को छीन लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप पता मत चलने दो उसके बीएफ को, कि आप उससे बात करने लगे हो या फिर आप उससे फ्रेंडशिप किए हो, ठीक है। बात आप दोनों तक ही होनी चाहिए। और कोई भी लड़की नहीं चाहेगी आपके बारे में अपने बीएफ को बताना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके बारे में लड़की अगर अपने बीएफ को बताएगी तो वो मना कर देगा उससे मत बात करना, क्योंकि हर लड़का मना करता है यार, सबको जलस फील होता ही है। मेरे खुद के बंदे की अगर कोई और लड़का बात करता, मैं जाहिर सी बात है मना करूंगा, उससे क्यों बात करती है, बंद कर उससे बात करना। तो लड़की नहीं बताती, लड़की समझदार होती है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि उससे फ्रेंडशिप कर पाओ, और फ्रेंडशिप के बहाने आप उसके बारे में जानो, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और उसके पसंद के हिसाब से काम करो। अब आपको क्या करना है वो सुनिए, जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि अब जो उसका बीएफ है उसे पहले की तरह गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो नहीं बोलेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम किसी को पटा रहे होते हैं ना उसी टाइम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, क्या कर रहे हो कैसे, ये सारी बातें हम करते रहते हैं। लेकिन पड़ जाने के बाद हम उसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं बोलते। मेरे खुद के साथ ये होता है यार, और सबके साथ होता है। जब स्टार्टिंग दौर होता है तो सुबह से ही मैसेज चला जाता है, गुड मॉर्निंग जान, गुड मॉर्निंग बेबी, ये सारा चीज़ है, लेकिन एक वक्त बाद वो नहीं चलता। तो आपको वही काम स्टार्ट करना है, आपको उसे गुड मॉर्निंग मैसेज करना है, गुड नाइट मैसेज करना है, ये सब शुरुआती पॉइंट है, क्योंकि जो उसके बीएफ है ना वो भी यहीं से शुरुआत किया था। अब पड़ गई है तो अलग बात है, लेकिन जब नहीं पटी थी तो वो भी ऐसा ही करता था, स्टार्टिंग गुड मॉर्निंग से ही करता था, मतलब उसे अपनी एहसास दिलाता था। ये कैसे होगा, जैसे आप उसे डेली के गुड मॉर्निंग करोगे गुड नाइट करोगे तो आपकी उसके जो बॉन्डिंग है ना वो क्लोज होते जाएगी, समझ गए मेरी बात। तो आपको वही करना है जो उसका बीए पहले ही करता था, आज वो आपको करना है। इससे उसको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो बीएफ है वो तो मुझे गुड मॉर्निंग बोलता ही नहीं है, गुड नाइट बोलता ही नहीं है, मेरी केयर करता ही नहीं है, लेकिन आप उसकी केयर कर रहे हो, अब उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, गुड नाइट बोल जा रहे हो, अब उसके पसंद के हिसाब से चलो। इससे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि उसका जो बीएफ है ना वो तो उससे बोल, देखो हर एक रिलेशनशिप में चीज़ होता है, ये किसी एक की बात नहीं है, हर 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 व्यक्ति के साथ होता है ये चीज़, कि स्टार्टिंग में जो प्यार होता है ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, लड़कियां पर बोर होने लग जाती है। लेकिन यहीं पर आप चांस मार के कुछ नयापन करोगे ना तो लड़की आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपको ठीक वैसा ही करना है, उसके पसंद के हिसाब से काम करना है, उसके जो पसंद वही करो, उसकी केयर करो, उसकी बातें सुनो यार, और जितना हो सके उस लड़की का हेल्प करो, क्योंकि उसका जो बीएफ है ना वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। पटने से पहले हमेशा अवेलेबल था, लेकिन पट जाने के बाद अवेलेबल नहीं होता, यह हर किसी के साथ होता है। तो आप कोशिश करो उसकी हेल्प करने की, कहीं ड्रॉप करना है, कुछ लाना है, या कुछ भी बात है, तो कोशिश करो उसकी हेल्प करो, कैसे भी करके हेल्प करो, लेकिन हेल्प करो, क्योंकि लड़कियों को ना हेल्पिंग नेचर के लड़के काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लड़कियों को हेल्प करने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। तो आप हेल्पिंग नेचर के बन के रहो। अब इससे क्या होगा, आप उसके क्लोज चले जाओगे, मतलब अब तक सिर्फ आप फ्रेंड थे, लेकिन जब आप ऐसा रूटीन बनाओगे तो उसके क्लोज फ्रेंड बन जाओगे, बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बट क्लोज फ्रेंड बन जाओगे। इसके बाद क्या होगा, जब कभी उसके बीएफ के साथ उसका झगड़ा होगा तो वो आपको ज़रूर बताएगी कि यार आज पता है मेरे बीएफ के साथ मेरा झगड़ा हो गया। तो आप उससे एकदम इंटरेस्ट के साथ बात करो, यार कैसे, क्या हो गया, किस बात पे झगड़ा हुआ, तो पूरी स्टोरी सुनाएगी आपको, यार आज मैं मार्केट गई थी, उसे बताना भूल गई थी, तो उस बात में मुझे झगड़ा कर रहा था, ऐसा वैसा। तो यहाँ पर आपको हम सफ़र बनना है, उसका साथ देना है, और इस ट्रिक से ना आप लड़की क्या है कि वुमेन तक को पटा सकते हो, सही बता रहा हूँ यार, ये बहुत काम की ट्रिक है, याद रखना। अब उसका हम सफ़र बनो, जब भी उन लोग का झगड़ा हो तो आप उससे बातें करो, ठीक है। इसी बहाने क्या होगा, वो अपने मन को हल्का करेगी आपके पास, हो सकता है कि कुछ ऐसी भी बातें आपको बताए जिससे आपको जलन हो, लेकिन आपको जलना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है उसकी बातें। इससे बेनिफिट ये होगा, वो जो लड़की है आप उसके दिल में अपने लिए जगह बनाते चले जाओगे, और वो आपको पसंद करने लग जाएगी, क्योंकि आप उसकी बातें सुन रहे हो, आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर बैठे हो,
अब उसको बताओ कि अगर झगड़ा हो गया तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा बताओ कि और झगड़ा बढ़ जाए। जैसे अगर वो बोलती है कि यार आज हम लोग को झगड़ा हुआ, तो किस बात पर झगड़ा हुआ, तो बताएगी कि मैं मार्केट गई थी, उसे बताना भूल गई थी, इस बात पर वो झगड़ा कर रहा था। तो आप बोलो क्या यार ऐसे भी लड़के होते हैं, ठीक है यार कभी कभार भूल गई बताना, तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, आप तो सही हो अपने जगह पर, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वही गलत है। मतलब हमेशा आपको लड़के को गलत बताना है, वो लड़की गलत है भी तो उसे गलत नहीं बोलना है, आप ही सही हो, आप ही अच्छे हो। हमेशा लड़के को ही गलत बताना, मतलब उसके जो बीएफ है उसे ही गलत बताना है। और चाहो इसी बीच आप उनसे नंबर भी ले सकते हो, फ़ोन पे बातें करो। और जाहिर सी बात है जब आप उनसे फ्रेंडशिप कर लोगे तो नंबर तो यूँ ही मिल जाएगा यार, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे कहीं के भी हो, नंबर तो यूँ ही मिल जाएगा, ठीक है। तो जब नंबर मिल जाए तो फ़ोन पे भी उससे बातें कर सकते हो। और अगर फ़ोन पे ही वो बोले कि नहीं यार अब मैं आपसे बातें नहीं कर सकती, मेरे भैया को पता चल गया, फिर झगड़ा हो चल रहा है हम लोग का घर के, तो बोलो कि नहीं यार मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तो आपको एक अच्छी लड़की समझता हूँ, पता नहीं आप कैसे भैया बना कर रखो जो आपसे इतना झगड़ा करते हैं, और आप कैसे हैंडल कर लेते हो यार, कैसे झेल लेते हो ऐसे बंदे को जो इतना झगड़ा करता है। मतलब हमेशा ऐसे ही बातें करना है, मतलब पॉजिटिव तरीके से उसे भड़काना है। अब डायरेक्टली उसे भड़काओगे तो लड़की समझ जाएगी कि ये साला हम लोग के बीच में झगड़ा करवाने आया हुआ है। तो आपको पॉजिटिव वे में उसे भड़काना, बड़ा प्यार से भड़काना है, और धीरे धीरे करके जब उसके दिमाग में जहर घुल जाएगा तो वो खुद एक दिन अपने बीएफ से लड़ जाएगी, उन दोनों के बीच में ना खट्टापन आना शुरू हो जाएगा, खटास आना शुरू हो जाएगा, और जो झगड़ा है ना वो थोड़ी थोड़ी करके और बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इसी दिन का आपको फिर इंतजार करना है। ये तो एक बात हो गई, ऐसे बहुत बारी होगा कि दोनों के बीच में झगड़ा होगा और वो फिर आपको बताएगी, तो आपको ऐसा ही पंच मारना है, मतलब भड़काने का काम करना है, तोड़ना है, ठीक है। जैसा भी मैंने एक स्टोरी बताया कि क्या हो गया यार एक दिन नहीं बताया तो इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं, वो कैसा लड़का है, इस तरीके की। उसके बाद अगर कभी बोले कि यार मेरे भी मेरे ऊपर बहुत शक करता है, तो भी बोल सकते हो आप यार कैसे शक की लड़के को बना रखा हो यार अपने बीएफ, यार आप इतनी अच्छी, आपको अच्छे से अच्छा लड़का मिल सकता है, आप एक शक करने वाले लड़के को कैसे अपने बीएफ बना कर रखे हो, आपको वो लड़के कैसे पसंद आ गया यार। आप ऐसी बातें करो, मतलब घुमा फिर अगर आपको भड़काना है लेकिन पॉजिटिव वे में भड़काना है, उसे जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उसे भड़काते हो, मतलब एकदम नेचुरली बात करना है कि यार पता नहीं आप कैसे लड़के को पसंद किए हो यार, वो इतना शक क्यों करता आपको ऊपर यार, लाइक रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट होना चाहिए यार, तभी तो रिलेशनशिप मज़ा आएगा, और जब ट्रस्ट ही नहीं बचेगा तो फिर कहाँ का रिलेशनशिप यार। मतलब ऐसे बातें करो, एकदम ज्ञान पे लो उसको, जिससे उसको लगना चाहिए कि वाकई यार मेरा जो बीएफ है ना वो सही नहीं है, मुझे उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो खुद ब खुद सोचेगी इस चीज़ को। तो आपको ऐसे ही भड़काते रहना है, और देखना छोटी छोटी बातों पर जब आप उसे ये पंच मारते रहोगे तो एक दिन उसको समझ आ जाएगा, फिर वो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से ही लड़ जाएगी, और जब तक वो अपने बीएफ से लड़ेगी तब तक तो आप उसके हम सफर बन चुके हो, आप उसके सुख दुख के साथी बन चुके हो, वो अपना सारा दुख पीड़ा आपको सुनाती है, आपसे बात करने में उसको मज़ा आता है, तब तो आपको छोड़ नहीं पाएगी, जाहिर सी बात है यार, क्योंकि आप उसके पूरी बातें सुनते हो। देखो लड़कियों की बातें लोग बहुत कम सुनते हैं, याद रखना, उनकी बकबक कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन आप उसके हम सफर बन चुके हो, आप उसकी बातें के सुनते हो, उसके बातों को आप ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो वो लड़की आपको बातें सुनाना भी पसंद करेगी, और वो आपको आपसे बात करना पसंद करेगी। मतलब सीधे तौर में अगर कहे तो उस लड़की के दिल में आप अपना जगह बना चुके हो, अब उसके लाइफ में कुछ भी अनसन होगा, कुछ भी बिगड़ेगा या फिर अच्छा होगा, तो आपको ज़रूर बताएगी कि यार आज मेरे लाइफ में ये अच्छा हुआ, कि यार मेरे लाइफ में आज ऐसा हो गया, वो हर बातें आपके साथ शेयर करेंगी। और इस बीच आप कोशिश करो कि जब आप दोनों की बातें हो तो उसे आप हैप्पी रख पाओ, अगर वो सैड भी है तो आपसे बात करने के बाद उसका जो सैडनेस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब वो एकदम हैप्पी फील करे। इससे क्या होगा, उस लड़की को आपकी लत लग जाएगी। जैसे एक लड़की है वो जब भी मेरे से बात करती है तो उसका सारा गम दूर हो जाता है, वो हमेशा ये बात बोलती है कि यार मैं कितना भी सैड क्यों ना रहूं, लेकिन मैं जैसे ही आपसे बात करती हूं ना तो मेरा सारा गम दूर हो जाता है। तो आपको ऐसा ही आदत लगाना है, बिल्कुल प्यारी प्यारी बातें करना है, आपके अंदर कितना हवस छुपा है ना उसको एकदम छुपा के ही रखना है, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है कि आप उसे सिर्फ पेलने के लिए पटा रहे हो, बिल्कुल ऐसा शो नहीं करना है, अपने अंदर की हवस को छुपा कर रखो, बस प्यार भरी बातें करो, और उसको लगना चाहिए कि आप एक अच्छे बंदे हो। और जब जब उसके बीच पसंद उसके झगड़ा हो तो आप उसे मोटिवेट करो कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार, आप तो अपनी जगह पर अच्छी हो, वो क्यों ऐसा करता है, उसे सोचना चाहिए यार, लाइक रिलेशनशिप में ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है, यकीन करना चाहिए यार, इतना शक क्यों करता है वो, हो सकता है कि वो आपसे दूर जाना चाहता हो, मतलब ऐसे ही से बातें करो, उसे मोटिवेट करो,
उसे लगना चाहिए कि ये जो बंदा है ना, यह सारी बातें समझता है, ये एक अच्छा लड़का है। इससे बेनिफिट ये होगा कि कभी उसके बीएफ को आपके बारे में पता चल गया तो आपके लिए अपने बीएफ से लड़ जाएगी। ये होता है, हर एक रिलेशनशिप में ये चीज़ होता है। वो आपके लिए अपने बीएफ से लड़ जाएगी क्योंकि आप उसके बातें सुनते हो, आप उसके हम सफ़र हो, आप उसे मोटिवेट करते हो, आप उसे हंसाते हो, राइट है। तो उसका जो बीएफ था वो भी स्टार्टिंग में यही सब करता था और ऐसे ही करके उसे पटाया था, लेकिन पट जाने के बाद वो इतना ध्यान नहीं दिया अपने पार्टनर की ओर। लेकिन आप उसी बीच उसे हंसाने लगे, उसके हम सफ़र बन गए, उसे मोटिवेट कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, उसके बातें सुन रहे हो, तो लड़की जरूर आपकी ओर इम्प्रेस हो जाएगी और आपको एक अच्छा लड़का समझेगी। और बिल्कुल आपको अच्छा लड़का ही बनकर रहना है, आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, कि मैं आपको लाइक करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ फ्रेंडशिप बना कर रखनी है। फिर जब आप फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे तो आप देखोगे कि वो लड़की आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी, और जब वो लड़की आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी तो उसके बीएफ को आपके बारे में ज़रूर पता चल जाएगा और वो उससे पूछेगा कि आप और किससे बात करती हो, तो वो ज़रूर बताएगी कि यार एक फ्रेंड है मेरा। जैसे वो लड़की इस बात को बताएगी कि एक फ्रेंड है मेरा, यहीं फिर उन लोगों का झगड़ा और ज़्यादा शुरू हो जाएगा कि तू उससे क्यों बात करती है, उससे बात करना बंद कर, इस तरीके की बातें शुरू हो जाएगी। लेकिन आप तो उसे हंसाते हो, आप तो उसके हम सफ़र हो, आप तो उसे मोटिवेट करते हो, आप उसकी बातें सुनते हो, आप उसके सुख दुख में काम आते हो, तो वो आपको तो नहीं छोड़ सकती। एक बार वो अपने बीएफ को बोलेगी, आपको तकलीफ क्या यार इससे बात करने में, सिर्फ मेरा फ्रेंड ही तो है। लेकिन इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में डेली झगड़ा होगा, और जब जब झगड़ा हो तो आपको बस पॉजिटिव तरीके से उसे भड़काते जाना है, फिर एक दिन वो लड़की उसे छोड़ देगी, ठीक है, और एकदम से बात खत्म हो जाएगा। और बस इसी दिन का आपको इंतजार करना है कि कब इन लोग का भयंकर वाला झगड़ा हो और मैं वहां पर एंट्री मारूं। और जब भी झगड़ा हो तो ध्यान रखिए वैसा ही बातें करना जो उसको पसंद है, ऐसी बातें नहीं करना है जो उसके बिल्कुल खिलाफ चला जाए और आपको ही ब्लॉक मार दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके ही पक्ष में बात करो, लड़की के पक्ष में, मतलब आप एक जज की तरह काम करो कि कौन सही है कौन गलत है। तो लड़की गलत भी है तो भी लड़की को सही बताओ कि नहीं यार आप तो अपने जगह में सही ही हो, वो लड़का ही गलत है, पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है, हो सकता है उसके लाइफ में कोई और लड़की आ गई हो, ऐसी बातें करो, मतलब भड़काओ घुमा फिरा कर, ठीक है। चूंकि एक तरफ आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो, उसके हम सफ़र बन चुके हो, तो आपको ही पसंद करेगी ना। तो जब झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब ब्रेकअप का सिचुएशन आ जाएगा, तो वहाँ पर सोचेगी वो कि अब क्या करना चाहिए, तो आपको जरूर पूछेगी एक बारी, वो अपने फ्रेंड से भी पूछेगी कि यार मेरे बीएफ के साथ मेरा झगड़ा हो गया बहुत भयंकर वाला, मैं क्या करूँ, हम लोग का ब्रेकअप होने वाला है। तो यहीं पर हो सकता है कि आपका काम बिगड़ सके, क्योंकि वहाँ पर जो उसकी फ्रेंड्स है, उसकी जो फ्रेंड है, वो उन लोग का पैचअप ना करा दे, मतलब समझ रहे हो बात क्या है, आपने जो मेहनत की उस पर पानी फिर सकता है, यहीं पर उसकी जो फ्रेंड है वो उसको पैचअप ना करा दे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन 90% चांस है कि आप ही जीतोगे, क्योंकि आपने उसके दिल में ऐसा घर बना लिया, ऐसा जगह बना लिया है कि वो आपके लिए ही अपने बीएफ से लड़ रही है, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर वो अपने बीएफ की बातें काफ़ी कम सुनेंगी, और जब ऐसा ही झगड़ा कंटिन्यू चलता रहेगा तो लड़का खुद ब खुद साइड हो जाएगा और लड़की भी बात करना बंद कर देगी, फिर दोनों का बातचीत बंद हो जाएगा। लेकिन इस बीच आप अपना बातचीत जारी रखना, अपनी बातें कंटिन्यू रखना, और ध्यान रखना कि जैसे उन लोग का ब्रेकअप हो तो आपको डायरेक्टली प्रपोज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसे डायरेक्टली प्रपोज करोगे ना तो उस लड़की के मन में ये आएगा कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारे मतलब ही होते हैं, मतलब ये सारी बातें सामने आ जाएंगी, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस उसे मोटिवेट करते रहो कि यार लाइफ में बहुत कुछ रखा है, या लाइफ में बहुत से गोल होते हैं, क्यों उसके पीछे पड़े हो, जब को कभी समझा नहीं, जब कि कभी केयर नहीं किया, जो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं किया, जो हमेशा आपकी ओर शक करता था, क्यों यार क्यों, मतलब ऐसा भड़काने वाली बात करते रहो, ठीक है। मतलब उसके दिल में उसके बीएफ के प्रति जितना भी प्यार है ना, उसे वहीं पर निचोड़ के वो फेंक दे, ऐसा काम करो। फिर कुछ दिन ये सिलसिला चलते रहने दो, और अगर हो सके तो डेट पे भी जाओ, मतलब कहीं घूमने चले जाओ, फ्रेंड्स में होता है यार चीज़, जरूरी नहीं कि जीप बनने के बाद ही घूमने जाए, तो कहीं घूमने चले जाओ, आइसक्रीम खाओ, मतलब ये चीज़ होता है, अगर कॉलेज में हो, स्कूल लाइफ में हो, या फिर कोचिंग क्लास में हो, तो ये कॉमन है सारी बातें, ये सारी चीज़ें, तो ये सब करो, इससे उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर जब फ़ोन में आप लोगों की बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें होने लगे, तब आप उसे फ्लर्ट करके
प्रपोज कर सकते हो, फ्लड करके ना, याद रखिए डायरेक्टली प्रपोज नहीं करना, फ्लड करके। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलने दो, उसके बाद आपको उस लड़की को थोड़ा सा इग्नोर करना है, थोड़ा सा दूरियां बनाना है। इससे उस लड़की को ये लगेगा कि ये लड़का मेरे से दूर क्यों जा रहा है, वो आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाएगी, अभी ऐसा क्यों कर रहा है, अब तक इतना साथ दिया, इतना अच्छा हम सफ़र बन के रहा, अब इसको क्या हो गया, इतना दूर क्यों जा रहा है, वो आपको बार बार सोचेगी। तो इस टाइम आप बोल सकते हो कि यार मेरे लिए भी कोई गर्लफ्रेंड बना दो ना, मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है यार, किसी को पटवा दो ना। तो वो लड़की भूल कर भी नहीं चाहेगी कि वो अपने फ्रेंड को या फिर किसी भी लड़की को आपकी गर्लफ्रेंड बनने दे, मतलब वो नहीं चाहेगी ऐसा, और कोई लड़की नहीं चाहती, क्योंकि आप इस लड़की के बारे में सारा कर्मकांड जान रहे हो, क्योंकि आपको बता चुकी है। और जब उसके ही फ्रेंड कोई लड़की है, उसे आपकी बंदी बनवा देगी, पटवा देगी, तो आप उससे सारी बातें शेयर करोगे, तो लड़की कभी नहीं चाहेगी, ठीक है। उसके बाद आप उससे अब फ्लर्ट करोगे, तो वो लड़की सोचेगी यार लड़का तो अच्छा है, इतने दिन तक मेरा साथ भी दिया है, और मेरे लाइफ में कोई BFI भी नहीं, तो क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, और फिर फटाक से वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। समझिए पूरे फंडा को, वो आपको जरूर एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद आप उसे चाहो तो सीधा सीधा प्रपोज कर सकते हो, फ़ोन पे या फिर मिल करके, फिर गुलाब देकर, कैसे भी आप उसे प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन पर आपने फ्लर्ट करके प्रपोज कर ही लिया है, वो एक्सेप्ट कर ही चुकी है, तो सामने भी उसे आप प्रपोज कर सकते हो और आपको एक्सेप्ट कर भी लेगी, और इस तरीके से उसके जो पहले का BF था वो साइड हो जाएगा और आप उसके लाइफ में एंट्री कर जाओगे, और इस तरीके से एक लड़की को आप पटा सकते हो जिसका पहले से BF था। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया बस इन्हें एक एक करके फॉलो करते चलो, आप देखोगे उसके भी एक पसंद उसके झगड़ा हो ही जाएगा, और जैसे ही झगड़ा होगा तो फिर आप उसके हम सफर बन जाओ, फिर धीरे से आप उसे फ्लड करके प्रपोज करो, वो आपके प्यार में गिर जाएगी यार। क्योंकि जब आप उस लड़की की आदत बन चुके हो, जब उसकी आदत बन जाओगे, तो आपको छोड़ना नहीं चाहेगी, वो आपसे दूर जाना नहीं चाहेगी, तो वो रिलेशन में इजीली आ जाएगी। उसके बाद आप उसे घुमाओ फिराओ, डेट पे लेके जाओ, मजे करो, उसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील होगा, मज़ा आएगा दोनों को, ठीक है। और इस तरीके से आप उस लड़की को पटा सकते हो, अपने प्यार में गिरा सकते हो, और इस ट्रिक की मदद से आप हर वो लड़की को पटा सकते हो जिसका पहले से BF है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन पूरा लो हो जाता है, अगर हम कोई सिंगल लड़की की बात करते हैं तो अपर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी से लड़के उसे प्रपोज कर रहे होते हैं, लाइन मार रहे होते हैं, देखते रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन पर जिस लड़की का पहले से BF है, वहाँ पर कंपटीशन सिर्फ एक लड़के से है, एक लड़के से आपको अच्छा बनना है बस, उसका जो BF है उससे अच्छा आपको बन के रहना है बस, फिर वो लड़की आपके प्यार में यूं ही गिर जाएगी। और इस तरीके से आप ऐसे लड़की को पटा सकते हो जिसका पहले से BF है या फिर था, राइट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को भी दबा देना। फिलहाल शुरू के बार इन करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।